वेलकम टू फिल्म पॉइंट दोस्तों। दिसंबर 2023 में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली हैं थिएटर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 बड़ी फिल्मों के बारे में जो आपको दिसंबर 2023 में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी जानकारी के लिए, और आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं दिसंबर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों की। पहली फिल्म है एनिमल, जो कि एक मास एक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा, और फिल्म में देखने को मिल जाएंगे रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, और ये फिल्म 1 दिसंबर को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी। दो पर है डंकी, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, और फिल्म में देखने को मिल जाएंगे शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, और ये फिल्म 22 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। नंबर 3 पर है सलार पार्ट 1 सीज फायर, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे प्रभास, पृथ्वीराज, सुकुमरन, श्रुति हसन, जगपति बाबू, और ये फिल्म 22 दिसंबर को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। नंबर 4 पर है कैप्टन मिलर, जो कि एक तमिल लैंग्वेज मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है, और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और फिल्म में देखने को मिल जाएंगे धनुष, संदीप, कृष्णा, प्रियंका, मोहन, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अरुण मेहता, और ये फिल्म 15 दिसंबर को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। नंबर 5 पर है योद्धा, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सागर एम्ब्रे, और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी, और ये फिल्म 8 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 6 पर है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो कि एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स वैन, और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे जैसन मोमोआ, वैन एफ्लेक, एम्बर हार्ड, और ये फिल्म 21 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। Aquaman and the Lost Kingdom. नंबर 7 पर है नीरू, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर ट्रू इवेंट बेस्ड फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिथिन जोपसी, और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे मोहनलाल, और ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज के लिए प्लान की गई है। नंबर 8 पर है गैंग्स ऑफ गोदावरी, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कृष्णा चैतन्य, और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाए विश्ववाक सेन, अंजलि, नेहा शेट्टी, और ये फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज के लिए प्लान की गई है। नंबर 9 पर है ऑपरेशन वैलेंटाइन, जो कि तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे वरुण तेज, मनुषी झिल्लर, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शक्ति प्रताप सिंह, और फिल्म की कहानी दिखाई जाएगी एयरफोर्स ऑफिसरों के स्ट्रगल के बारे में, और ये फिल्म 8 दिसंबर के लिए प्लान की गई है। नंबर 10 पर है मैरी क्रिसमस, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्री राम राघवन, फिल्म में देखने को मिल जाएंगी कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति, राधिका आपदे, संजय कपूर, और ये फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज के लिए प्लान की गई है। नंबर 11 पर है श्याम बहादुर, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे विक्की कौशल, फातिमा, शना शेख, सानिया मल्होत्रा, और फिल्म में दिखाया जाएगा फील्ड मार्शल श्याम मानेका शाह के जीवन के बारे में, और ये फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 12 पर है हे नानी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज इमोशनल ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे सुपरस्टार नानी, और उनका साथ निभाती नजर आएंगे मृणाल ठाकुर, और फिल्म की कहानी होगी एक
बाप और उसकी एक बेटी की उसके इमोशंस को दिखाया जाएगा इस फिल्म में। और ये फिल्म पहले 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, बट ये फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई है। अब ये फिल्म 7 दिसंबर 2023 को रिलीज़ के लिए प्लान किया जा रहा है, बट इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। मे बी ये फिल्म 7 दिसंबर को ही रिलीज होगी। अगर होगी तो ये फिल्म हिंदी के साथ साथ अदर साउथ इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 13 पर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जो कि तेलुगु लैंग्वेज एक्शन मास मसाला फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे नितिन, श्री लीला राव, रमेश। और ये फिल्म पहले 23 दिसंबर को रिलीज़ के लिए प्लान की गई थी, फिलहाल इस फिल्म को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और इसकी जो नई रिलीज निकल कर सामने आ रही है वो निकल कर आ रही है 8 दिसंबर 2023 की। दोस्तों ये ऑफिशियली कन्फर्म है कि ये फिल्म 8 दिसंबर 2023 को ही थिएटर में अब रिलीज़ की जाएगी, हिंदी के साथ साथ अदर साउथ इंडियन लैंग्वेज में। नंबर 14 पर है वॉका, जो कि एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे टिमोथी चैलमेट। और ये फिल्म 15 दिसंबर को हिंदी लैंग्वेज में थिएटर में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों आपको इन फिल्मों में से किन किन फिल्मों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।